गुरुवार को पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के नेतृत्व में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस जनता दरबार का नागरिकों द्वारा अच्छा समर्थन मिला है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी शिकायतों का निवारण जल्द ही किया जाएगा। शहर में कई ऐसे मामले होते हैं जिन पर कुछ कारणवश कार्यवाही नहीं हो पाती, जिसके चलते गुरुवार को पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के मार्गदर्शन में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुरुवार को आयोजित जनता दरबार का उन्हें अच्छा प्रतिसाद मिला। साथ ही कई ऐसे मामले थे जिनमें कार्रवाई होना जरूरी है, जिसके निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। कई ऐसा प्रकरण समोर आला ज्यामध्ये गुन्हा दाखिल व्हायला पाहिजे होता किंवा कार्रवाई फिर्यादीची अपेक्षाप्रमाणे झालेले नाही, त्यामध्ये सर्व वरिष्ठ अधिकारी होते, त्यांना सूचना देण्यात आलेल्या, त्याबद्दल गुन्हा दाखल करून किंवा तपास आणखी योग्यरित्याने किंवा काहीमध्ये प्रतिबंधक कारवाई करायची सूचना देण्यात आलेली आहे। आणि नक्कीच आता सर्व प्रभारी अधिकारी पण इथे होते, पोलीस स्टेशन स्तरावर आणखी पुढचे काळात आणखी प्रभावीपणे लोकांची जे तक्रार आहे त्याचे निराकरण करण्याचे प्रयत्न नागपूर शहर पोलीस दलांतर्फे करण्यात येईल। बरोबर आहे, पूर्वी पण प्रत्येक शनिवारी DCP'चे स्तरावर तक्रार निवारण दिवस होतच असतात, पुढचे काळात यंदा आणखी कसे चांगले करता येईल आणि रिझल्ट ओरिएंटेड करता येईल यासाठी आज ही एक डायग्नोसिस प्रॉब्लेमची डायग्नोसिस व्हावी म्हणून ही एक प्रथम अशी मोहीम घेण्यात आली होती। सर्व अधिकाऱ्यांना सूचना ऑलरेडी देण्यात आलेली आहे, आणखी प्रभावीपणे लोकांची तक्रार निवारण होण्याच्या दृष्टिकोनातून जे काही गरज असतील ते पोलीस यंत्रणाद्वारा करण्यात येईल। इस वक्त उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में निश्चित ही पुलिस की ओर से अधिक प्रभावी तौर पर कार्य किया जाएगा, साथ ही सभी लोगों की शिकायत का निवारण करने का प्रयास भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN News नागपुर।